अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तुलबा, आज हम सेकेंड ईयर के कोर्स का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो है मुस्लिम मुफक्किरीन की तालीम खिदमात। यानी कि इसमें हमने वो मुस्लिम मुफक्किरीन या माहिरीन तालीम के बारे में पढ़ेंगे, उन्होंने कौन कौन सी तालीम खिदमात पेश की, उनके तालीमी नज़रियात क्या क्या थे। जिसमें सबसे पहले आज हम पढ़ रहे हैं अलग़ज़ाली, जिनका नाम इमाम मोहम्मद अलग़ज़ाली था पूरा नाम। आज एक माहिरीन तालीम और बेहतरीन उस्ताद भी थे। आपने आपकी तालीमी हैसियत में आपके तालीम सफरात के बारे में बहुत से लोग इसको मानते हैं। आपने बहुत सी किताबें तहरीर की, बहुत सी तस्वीर लिखी, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा जो मशहूर हैं वो दो हैं। एक है, एक का नाम है कि मियाए सआदत और दूसरा है आयाल उलूम। और इन किताबों के तराजम कई यूरोपी ज़ुबानों भी हो चुके हैं और बाहर की यूनिवर्सिटी में, यूरोप यूनिवर्सिटी में इनको पढ़ाया जा रहा है। आप निज़ाम बगदादी के सदर भी रह चुके थे, जो कि एक बैन अल-अक़वामी अहमियत का हामिल इदारा है। अब उनके हम तालीमी तसव्वुरात पढ़ लेते हैं कि उनके तसव्वुरात क्या क्या थे, तालीम के बारे में उन्होंने कौन से नज़रियात पेश किए। इसमें वो कहते हैं कि तालीम का जो ज़रिया है वो वही है, मोतबर और मुसनद ज़रिया है, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है, और यही वो इलम है जो पैगम्बरों पर अल्लाह ताला नाजिल फरमाते थे और फिर वो आगे नसल अगले लोगों तक या अगले नसल तक मुंसिल करते थे। और ये हकीकी इलम का ज़रिया है। इसके बाद जो दूसरा ज़रिया कहते हैं, अकल को भी इलम का ज़रिया या मंबा तसव्वुर करते हैं, क्योंकि इंसान अकल क्या है, और फिक्र का मादा पैदा करती है। इंसान सोचता है, विचार करता है, अपने जहन का इस्तेमाल करता है, चीज़ों को जानने की कोशिश करता है, और इसी अकल की बुनियाद पर कायनात को मुसख़्खर करने की सहायता करता है या कोशिश करता है कि कायनात के राज, पोशीदा राज उनको जानने की कोशिश करता है। जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, एक ज़मीन पे घूमो फिरो और कायनात को मुसख़्खर करो, कायनात को जानो, उसके जो इसमें असरार और रमूज छुपे हैं उनको, उन तक रसाई हासिल करो। इस तरह वो ईमान और इल्म को लाजमा मज़लूम करा देते हैं कि ईमान और इल्म एक दूसरे के साथी हैं, इन एक के बाद दूसरा अधूरा है। वो उलूम को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, जिसमें उलूम महमूद और दूसरा उलूम मज़मूम है। उलूम महमूद में वो ऐसे मज़ामीन का शामिल करते हैं, ऐसे उलूम शामिल करते हैं जिनका जानना इंसानों के लिए ज़रूरी और मुफीद है, जैसे कुरान, हदीस, फ़िक़्ह और मुख्तलिफ़ पेशों का इल्म वगैरह। दूसरा जो उलूम मज़मूम है, उसमें ऐसे मज़ामीन शामिल करते हैं, ऐसे उलूम शामिल करते हैं जिनका इंसानों के लिए जानना नुकसान का बाइस है या नुकसानदेह हो सकता है, इसे उनका जानना ज़रूरी नहीं है, उसे मना फरमाते हैं। अब तालीम तसव्वुर के बाद उनके मकासद तालीम देखते हैं कि वो तालीम से क्या मकसद हासिल करना चाहते हैं। सबसे पहला है मार्फत इलाही का असूल, कि इल्म ऐसा होना चाहिए जो इंसान को अल्लाह ताला की मार्फत, यानी कि उसकी पहचान, उसकी शनाख्त का बाइस बने, कि उससे पहचान वो इंसान इल्म के लिए जान सके तो कोई ज़ात मौजूद है जिसने उसको पैदा किया, जिसने कायनात बनाई है, वो ज़ात अल्लाह ताला की ज़ात है। ठीक, तो इस वक्त तक उसे ये पहचान हासिल नहीं हो सकती, जब तो इलम हासिल नहीं करता वो अल्लाह ताला की मार्फत या उसकी पहचान हासिल नहीं कर सकता। वो इलम कौन सा है, वो दीनी इलम है, कि दीनी तालीम के ज़रिए वो अल्लाह ताला की मार्फत हासिल कर सकता है। फिर उसके बाद जो दूसरा मकसद तालीम वो बयान करते हैं, वो रज़ा इलाही के आगे सर तस्लीम खम करना है, कि अल्लाह ताला के हकामात के आगे, उसके हुक्म के आगे अपने आप को फरमा बदलना है, उसके आगे सच को झुका लेना है, उसको हूबहू ऐसे तस्लीम कर लेना है। तो जब तक इंसान मार्फ़त इलाही का दर्जा हासिल नहीं कर सकता, तब तक वो अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला की रज़ा और उसके अहकामात के मुताबिक नहीं ढाल सकता। ये तमाम उसी सूरत मुमकिन होगा जब वो दीनी तालीम या दुनियावी तालीम हासिल करता है और इस्लाम के मुताबिक तालीम हासिल करता है। और यही जब उसने मार्फ़त इलाही हासिल कर लिया, उसने आगे उसको अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ज़रिया बनाना है। फिर नंबर तीन जो वो मकसद तालीम बयान करते हैं, वो है अख़लाक़ी इक़दार का फ़रोग है, कि आला जो अख़लाक़ी इक़दार है उनको फैलाना है, उनकी तालीम की तश्कील तबलीग करनी है, उसकी इशात करनी है। तो तालीम ही वो ज़रिया है जिसके हम अच्छी अख़लाक़ का दूसरों तक पहुँचा सकते हैं, तालीम के ज़रिए दूसरों को सिखा सकते हैं। जिसमें अच्छी इक़दार या आला अख़लाक़ी इक़दार कौन सी हो सकती हैं, जैसे सच्चाई है, अमानत है, दयानदारी है, दुरानसाफ़ है, ठीक है ना, एहसान है, दरगुजर करना है, ऐसे इकदार को हमने क्या आगे दूसरों तक पहुंचाना है, वो इलम के ज़रिए होगा, तालीम के ज़रिए ही मुमकिन है। इसके बाद नंबर चार जो तालीम का मकसद बयान करते हैं, वो आला किरदार की तश्कील व तकमील है, कि इंसान को के अशरफ़ मखलूक़ात है, इसलिए तालीम ही इंसान को उसको इस तजर्बे फायज कर सकती है, उसे इंसानियत का इलम सिखाती है, इंसानी का तजर्बा फायज करती है, कि वो अपने आप में, अपने किरदार में ऐसी चीज़ें शामिल करता है, ऐसे वसाव शामिल करता है, जिससे इंसानियत के दर्जे पर पहुंच जाता है और अशरफुल मखलूकात बन जाता है। अब उसने क्या करना है, कि उसे इस इलम के ज़रिए, इकदार के ज़रिए क्या है कि वो नेकी और बदी में फ़र्क महसूस करता है, कि नेकी क्या है और बुराई क्या है। फिर वो कोशिश करता है नेकी को अपने किरदार का हिस्सा अपनाए, उसको अपनाए, उस पर अमल करे, और जो बुराई उनसे कामों से रुके, उनसे दूर रहे, उनसे इजतनाब करे।
तो इस उसमें अच्छे किरदार और नेक अमाल उसमें आ जाएंगे, जिससे उसके जो उसकी पहचान का जरिया बनेंगे। फिर नंबर पाँच जो मतलब मकसद बयान करते हैं वो है दुनियावी ज़रूरियात का ख्याल करना। ठीक है, कि इलम तालीम का मकसद ये नहीं है कि आपको सिर्फ दीनी तालीम के साथ साथ आपकी दुनियावी ज़रूरियात पूरी करनी है, आपको दुनियावी इलम भी हासिल करना है ताकि आप अपनी ज़रूरियात को खुद पूरा कर सकें और एक मिसाली और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकें और किसी के आगे हाथ फैलाने के मोहताज ना हो, हाथ ना फैलाएँ। तो इसलिए दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम की ज़रूरत पर भी आप जोर देते हैं, और इलम ऐसा होना चाहिए, तालीम का मकसद ये भी होना चाहिए कि आप साथ साथ आपकी दुनियावी ज़रूरत का भी ख्याल रखें। इसके साथ जो नंबर छः वो तालीम का मकसद बयान करते हैं वो तस्खीर कायनात है, कि कायनात को मुसक्कर करना, कायनात के राजों को जानना, उस पर से पर्दा उठाना, ये उनके तालीम का सबसे अहम मकसद है। इनके नज़दीक हम इसी इस्लामी तालीम या दीनी तालीम की रोशनी में ही ये तमाम जान सकते हैं कि कायनात के जो छुपे राज हैं वो कौन से हैं, इंसान के लिए उनके क्या किस लिए हैं, क्या फ़ायदा उसे इंसान से कैसे फ़ायदा उठा सकता है। तो ये तमाम हमारे इलम के ज़रिए है या तालीम के ज़रिए मुमकिन है कि अल्लाह ताला ने जो वसाइल हमारे रखे हैं ज़मीन में वसाइल रखे हैं उनसे कैसे फ़ायदा उठाना है। अब निसाब मकासद तालीम के बाद जो अगला उनके नज़रियात है निसाब तालीम के, इन मकासद को सामने रखते हुए निसाब कैसा होना चाहिए ताकि जो तालीम दी जाए उसमें बाद या निसाब या किताबें क्या होनी चाहिए। इसमें वो अपने निसाब को मज़ामीन को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक तो लाजमी मज़ामीन और दूसरा इख्तियारी मज़ामीन। लाजमी मज़ामीन वो मज़ामीन हैं जिनका जानना, जिनका इलम हासिल करना हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है। इसको वो फ़र्ज़ ऐन का नाम भी देते हैं। इसमें वो कहते हैं बुनियादी इस्लाम के बुनियादी अकायद और कुरान हदीस इबादत मामलात के लोगों को शामिल करते हैं ताकि वो इनको सीख कर एक रोशन और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। इनका जानना इलम का ऐसा होना चाहिए कि हर उम्र के मुताबिक हो, कि जो जिससे उम्र के बच्चे हों इस लिहाज से उनको इलम यानी मवाद यानी हिसाब दिया जाए। फिर दूसरा जो कहते हैं इख्तियारी मज़ामीन है, उन मज़ामीन को वो कहते हैं कि फ़र्ज़ कफ़ाया करते हैं, इनका सीखना सबके लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन कुछ लोग सीखें तो आपकी ज़रूरियात पूरी हो जाती हैं, यानी कि माशरे में इनका कारोबार चलाना का माशरे के कारोबार को चलाने के लिए इनका जानना ज़रूरी है। और हर फर्द को इसका ज़रूरी नहीं है हर फर्द ये इलम हासिल करे, चंद लोग सीख लें तो आपके माशरे का नज़्म चल सकता है, निज़ाम चल सकता है। इसमें वो क्या कहते हैं जैसे तिब है, रियाजी है, ज़रात है, सनत हरफत है, पारचा बाफी और इसमें सियासत वगैरह है, इसकी तालीम पर बहुत ज़ोर देते हैं। तो ये आज हमने इमाम गज़ाली के कुछ तालीमी नज़रियात पढ़े जिसमें उनके तालीम तसव्वुरात थे, फिर उनके मकासद तालीम थे और फिर हमने निसाबे तालीम पढ़ा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अस्सलामु अलैकुम।